जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र, यह बालको का बेला कछार क्षेत्र है जो कि धुंधरो ग्राम पंचायत में आता है। और हमने पूर्व में भी खबरों के माध्यम से यह प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है कि कहीं ना कहीं सड़कों को लेकर खास जो है लापरवाही कहना चाहिए बरती जा रही है, क्योंकि सड़कें तो बदहाल हैं और कई वर्षों से बदहाल स्थिति में हैं, जिनके जीर्णोद्धार के ऊपर कोई कार्य लगभग नहीं किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों ने तमाम शिकायतें की हैं। बेला कछार के एक दूसरे क्षेत्र में है और यह भी वार्ड क्रमांक 17 और 18 के इसमें आता है और उसके तहत यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, आप सड़कों को आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे की यह सड़क है और किस कदर बदहाल स्थिति में आप देख पा रहे हैं। और यह अभी तो फिर भी थोड़ी सी कम मात्रा में आप इसकी दुर्दशा देख पा रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटा से यहाँ वर्षा नहीं हुई है। तो यह हाल है क्योंकि पानी कुछ सूख गए हैं, कुछ गड्ढे जो है अब दिखाई पड़ने लगे हैं। पहले तो पूरा लबालब मानो कि कोई छोटा मोटा तालाब और नदी हो। देखिए, हमारे ठीक बगल में यह स्कूल है, यह शाला है और अगर इस शाला से बच्चे आते हैं, देखिए यह प्राइमरी और मिडिल दोनों स्कूल है बेला कछार का, और यह इस शाला में महिला शिक्षिकाएं भी हैं, पुरुष शिक्षक भी हैं, और इसी रास्ते से चलकर इधर से भी और इस रास्ते से माने दाहिने बाएं दोनों साइड से यहाँ पर शाला गणवेश पहने हुए तमाम बच्चे नर्सरी से प्राइमरी से लेकर मिडिल स्कूल तक के बच्चे यहाँ पर अपने पठन पाठन के लिए आते हैं। उस बीच यहाँ से कोई वाहन गुजरता है तो उनके गणवेश धूमिल हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, कभी कभी बच्चे भी इसमें जो है गिर जाते हैं। ऐसा शिक्षकों का कहना है कि बच्चे आते हैं तो कीचड़नुमा गणवेश में आते हैं, कभी कभी उन पर या तो वह गिर गए होते हैं या उन पर कोई वाहन चलकर छींटा कर देता है, या फिर खुद ही चलते चलते जो है वह इस तरह से कीचड़ नुमा सड़क में जो है वह समा जाते हैं या गिर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें हाँ, एक और बात महत्वपूर्ण मजे की बताएं कि यहाँ पर यहाँ की शिक्षिका भी इसी सड़क से आ रही थी, स्कूल जा रही थी और वे अपने स्कूटी वाहन से गिर गई। आज पर्यंत तक उनके पैरों में चोट है जिसका इलाज चल रहा है। श्रीमती तिवारी मैम हैं जो कि जिनका कहना था, हमने पिछली खबरों में उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि वे इसी सड़क से आ रही थी और किसी गड्ढे में उनकी जो है दोपहिया वाहन जो है आ गई और जिससे वह गिर पड़ी और जिसके पश्चात उनके पैरों में चोट आ गई। तो कहीं ना कहीं यह सड़क के वजह से ही है, जो बदहाल सड़क है इसकी वजह से। तो तमाम जहाँ पर शिक्षक जो है चोटिल हो रहे हैं, आप यहीं से हैं दीदी? तो कहीं ना कहीं जहाँ पर शिक्षक गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं और कीचड़ सना सड़क का इस्तेमाल करने पर विवश हैं इस क्षेत्र के लोग, तो क्षेत्र के सरपंच और क्षेत्र के जनपद सदस्य BDC से भी हमारा निवेदन है कि यदि इसमें कुछ सुधार कार्य कराया जा सकता हो तो शीघ्र करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह दुर्दशा बताने वाले क्षेत्रवासियों ने बताया कि यह एक दिन की नहीं है, वर्षों से यही दुर्दशा इस सड़क की है और इस पर जीर्णोद्धार का कार्य अभी विशेष नहीं हुआ है, इस पर विशेष जीर्णोद्धार का कार्य करने की आवश्यकता है। चलिए हम और भी कुछ लोगों से जानने का प्रयत्न करते हैं। तो हम शाला में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ के ठीक अगल बगल की सड़कें खराब थी जो हमने आपको अभी नज़ारा दिखाया, और आइए जानते हैं कि यहाँ पर कितने शिक्षक मौजूद हैं और उन्होंने क्या क्या तकलीफें झेली। मैम नमस्कार, हम देख पा रहे हैं कि आपके क्षेत्र में जो आपकी पहुँच मार्ग है, सड़क जो है उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय है, ख़राब है, तो इससे होने वाली समस्याओं को थोड़ा सा प्रकाशन मिला है कि समस्याएँ होती हैं क्या? देखिए अभी यहाँ अपना परिचय दे, हाँ मैं श्रीमती लक्ष्मी महतो, शिक्षक माध्यमिक शाला बेला कछार जी। अभी यहाँ बहुत सारे काम हुए हैं, एक तो सड़क अच्छी बन गई थी लेकिन फिर से पाइपलाइन बिछाया गया जिसके कारण पूरा खोद दिया गया, और यहाँ की मिट्टी इतनी ज़्यादा चिकनी है कि थोड़ा भी बारिश होता है तो फिर मतलब पैदल चलना भी मुश्किल है और गाड़ी का भी निकलना मुश्किल है, और यहाँ सब बच्चे का स्कूल आना बहुत ज़रूरी है, शिक्षकों का भी आना ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पीछे पानी टंकी बना, वहाँ भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन काम चला तो पूरा खुदाई कर दिए, पूरा पूरा बर्बाद हो चुका है,
एक घर का और निर्माण हो रहा है, वो भी सारे अपना मिट्टी रेत जो भी है फैला रहे हैं, सारा कार्य सड़कों पर पूरा, और हम लोग इतना बाधित हो गया है रास्ता कि हम लोग अपना जोखिम में ही आ रहे हैं, कभी भी गिर सकते हैं। कभी ऐसा हुआ क्या कि आप कोई शिक्षकों में इस बदहाल सड़क की वजह से कोई दुर्घटना के शिकार हुए हैं? हाँ, हमारे यहाँ सरिता त्रिपाठी मैडम है, वो यहीं गिर भी गई थी एक बार, जिसके कारण उनको बहुत मेजर प्रॉब्लम आया, ऑपरेशन वगैरह भी लगा है। और हम लोग भी रोज कभी स्लिप हो रहे हैं, कभी बिल्कुल इस चलाना मुश्किल हो गया है गाड़ी में। तो ऐसा हुआ हो कि बच्चों के साला गणवेश भी गंदे हो गए हो या गिरे? गिर जाते हैं, छोटे प्राइमरी बच्चे हैं, अभी बारिश में तो हम लोगों का बहुत ही बुरी स्थिति होने वाली है अगर सुधार ना किया गया तो। जी, तो मैम, एक जिम्मेदार नागरिक होने के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी सरपंच जी से, जो भी इनके क्षेत्र के जो मुखिया हैं, कि ये बहुत ही कहना चाहिए मुख्य रास्ता है विद्यालय तक आना, हमको हमारे बच्चों को है ना, गांव वालों के लिए इतनी तो बनती है जिम्मेदारी कि रास्ते को अच्छे से सुधारा जाए ताकि हम बच्चे आसानी से स्कूल आ सकें। बरसात में अभी बहुत ही स्थिति खराब हो जाएगी। धन्यवाद मैम। क्या नाम बताया आपने? मैं श्रीमती लक्ष्मी महतो। लक्ष्मी महतो जी, धन्यवाद। मैम, आप यहाँ पर बैठे हैं और आप चोटिल हुए थे क्या इस सड़क पर जब आप चल रहे थे? जी सर, हुए थे। तो आप किस साधन में थे? आप स्कूटी में आ रहे थे। जो छोटे पहिए होते हैं, स्कूटी में आ रहे थे। ये स्कूल से कितनी दूरी पर आप गिर पड़े थे? स्कूल के गेट पर ही गिर गई थी सर, बस लगभग पहुंचने ही वाले थे और पानी टंकी के पास ही गिर गई थी। अच्छा, मतलब यहाँ से जो 5 कदम 10 कदम माना जाए। तो यह स्थिति थी। आप त्रिपाठी मैम है, जो भी सड़क की बदहाल स्थिति के वजह से गिर पड़ी थी। इस क्षेत्र में स्थानीय बच्चे हैं जो यहाँ के आते हैं, यह दायित्व तो बनता है क्षेत्रवासियों का भी, यह दायित्व तो बनता है क्षेत्र के जनपद सदस्य का, यह दायित्व तो बनता है सरपंच का कि यदि क्षेत्र के नन्हे मुन्ने बच्चे आप ही के घरों से जब निकलते हैं तो वह सुरक्षित अपने स्कूल तक पहुँचें और स्कूल से अपने गंतव्य अपने घरों तक वह सुरक्षित पहुँचें। इसकी नैतिक जिम्मेदारी हमें ही उठानी होगी। यदि वे सड़कों पर कहीं ना कहीं बदहाल सड़क है और उस पर दुर्घटना के शिकार होते हैं तो उसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम बड़े हैं। हम जिनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई है वे जिम्मेदार हैं। अगर इस तरह से शिक्षिका अपने ड्यूटी को निर्वहन करने के लिए चली आती हैं और दुर्घटना के शिकार हो जाती हैं तो यह कहीं ना कहीं घोर लापरवाही को प्रदर्शित करता है। इसके पश्चात आज पर्यंत तक न इनका पैर ठीक हुआ, पैर अभी भी इलाज चल रहा है? चल रहा है, इलाज चल रहा है। ना इनका पैर ठीक हुआ और ना ही यह सड़क। तो कहीं ना कहीं यह निजी तौर पर अपना इलाज तो कर रही हैं किंतु सड़कों को बनाने की आवश्यकता क्षेत्र के सरपंच को बीड़ा उठानी होगी। यदि दुर्घटना के शिकार लोग हो रहे हैं तो उनकी सुध लेनी होगी। इस मामले को संज्ञान में लेकर क्षेत्र के सरपंच और जनपद सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे क्षेत्र में विजिट करें और इस तरह से खासकर ऐसी सड़कें जहां पर स्कूल हेतु पहुंच मार्ग है और इस तरह से शिक्षिकाएँ शिक्षक और बच्चे गिर रहे हैं तो उसे सुधार करने की प्रथम नैतिकता का पालन करें और उसका निर्वहन भी करें ताकि सड़क का जीर्णोद्धार संभव हो सके। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।